फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट टाइम ट्रैवल 2009 की साईफाई मूवी, जिसमें तीन दोस्त बार बार टाइम ट्रैवल करके पास्ट और फ्यूचर में एक साथ जाते हैं, जहां इन्हें फ्यूचर को बदलना है और अर्थ को तबाह होने से और खुद को मरने से बचाना है। मूवी की शुरुआत होती है जहां तीन दोस्त रे, पीट और टोबी एक पब में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। तीनों ही साईफाई मूवीज और टाइम ट्रेवल थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद पीट टॉयलेट जाता है और कुछ ही मिनट बाद जब वो बाहर निकलता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाहर अब अचानक से सब लोग मर चुके हैं और आसपास सब कुछ बिखरा हुआ है और मरे हुए लोगों में से एक उसका खुद का फ्यूचर वर्जन भी है, जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई है। पीट जल्दी से डरकर वापिस से बाथरूम में भाग जाता है, मगर चूंकि वो नशे में था तो वो फिर से कुछ देर बाद बाहर जाता है, जहां इस बार सब फिर से नॉर्मल ही था। यहां से हमें इस घटना से 6 घंटे पहले की इवेंट्स दिखाई जाती हैं, जहां रे एक किड्स पार्क में काम करता है, मगर वो हमेशा से साईफाई मूवीज का फैन रहा है और वो छोटे बच्चों को ज्यादा ही हैवी थ्योरीज समझाने लगता है, जिससे वे रोने लगते हैं। ये सब रे के साथ कई बार हो चुका था, सो मैनेजर उसे अब जॉब से निकाल देता है, जहां से दुखी होकर वो अपने बाकी के दो दोस्तों पीट और टोबी के पास जाता है, जो कि डायनासोर सूट्स में फूड पैम्पलेट्स बांट रहे थे। ये तीनों ही अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि तीनों ही ऐसी जॉब्स कर रहे थे जो कि उनके लिए नहीं थी। तीनों ही साईफाई नर्स हैं, मगर पीट कहता है कि उन्हें अब कुछ तो करना ही होगा, तो इस जॉब के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ देर बाद तीनों रेस्टोरेंट में थे, जहां वे अब रे के लिए एक नई जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद वे एक टाइम ट्रेवल मूवी देखते हैं, जिसे देखने के बाद टोबी कहता है कि उसे इसकी स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई और इससे अच्छी स्टोरी वो लिख सकता है। इसके बाद वो दोनों को अपनी एक डायरी भी दिखाता है, जिसमें वो ऐसी स्टोरीज लिखता है और रे और पीट उसकी तारीफ भी करते हैं। और इसी के बाद वे तीनों पब में जाते हैं, जहां वे बियर्स पीते हैं और टोबी की डायरी में ऐसे आइडियाज नोट करते हैं जिनसे साईफाई मूवीज की स्टोरीज भी बेटर हो सकती हैं। और इसके बाद वे उस पेज को फाड़कर उसी टेबल पर रखकर छोड़ देते हैं। अब ये पेज आगे काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ अब तीनों की ड्रिंक्स खत्म हो गई थी, सो रे तीनों के लिए और ड्रिंक्स लेने जाता है, मगर तभी उसे एक केसी नाम की लड़की उसे उसके नाम से बुलाती है और उससे कहती है कि वो एक टाइम ट्रेवलिंग एजेंट है, जो कि अलग अलग टाइम जोन्स में जाकर टाइम लीक्स को रिपेयर करती है। टाइम लीक्स यहाँ नॉर्मल टाइम में ग्लिचेस को कहा जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल आदमी भी कभी कभी टाइम ट्रेवल कर पाते हैं। रे को यहाँ लगता है कि वो मजाक कर रही है, सो वो भी मजाक में कहता है कि फिर तो उसे टाइम में पीछे जाकर हिटलर को बचपन में ही मार देना चाहिए। केसी कहती है कि ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। वो ये भी बताती है कि पास्ट में जाकर किसी को मारने को उनकी लैंग्वेज में एडिटिंग कहा जाता है और ऐसा करने से एक चेन रिएक्शन होता है, जिससे काफी कुछ बदल जाता है। हालांकि एक एडिटर्स का ग्रुप भी है जो कि पास्ट में जाकर फेमस लोगों को उनके बेस्ट काम के बाद मार देता है। रे कन्फ्यूज था, सो केसी एग्जाम्पल देती है कि जैसे कि डिविंची को उसकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बाद मार देना, या फिर किसी फिल्म डायरेक्टर को उसकी बेस्ट मूवी बनाने के बाद मार देना। केसी यहाँ खुद की जॉब के बारे में बताती है कि उसका काम टाइम लीक्स को बंद करना है, जिससे टाइम का फ्लो नॉर्मल चलता रहे। यहाँ वो रे को ये बताकर हैरान कर देती है कि रे फ्यूचर में काफी फेमस है, इसलिए उसने उसे ये सब बताया है और वो खुद उसकी काफी बड़ी फैन है और आगे चलकर रे के ऊपर काफी बुक्स भी लिखी जाएंगी, जिनमें उसे रे द ग्रेट कहा जाएगा। अब रे ये सब सुनकर काफी हैरान और खुश भी था। वे थोड़ी और बातें करते हैं और फिर रे वापिस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसे लगता है कि चूंकि आज उसकी जॉब चली गई, इसीलिए उसे खुश करने के लिए जरूर उसके दोस्तों ने ही इस लड़की को उसे बात करने के लिए भेजा होगा। मगर वे दोनों कहते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को उसे बात करने के लिए नहीं भेजा। सूर्य उस लड़की की सारी बातें उन दोनों को बताता है और यहाँ से पीठ बाथरूम करने टॉयलेट में जाता है और फिर यहाँ से वही सब होता है जो कि हम शुरू में देख चुके हैं, जहाँ पीठ को सब लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उसका फ्यूचर वर्जन भी था, जिसे डर कर वो वापिस से बाथरूम में चला जाता है। और फिर से जब वो बाहर आता है तो इस बार सब कुछ फिर से नॉर्मल था और पीट जल्दी से आकर रे और टोबी को सब कुछ बताता है जो उसने देखा था और कहता है कि केसी रे को शायद इसी टाइम लीक के बारे में बता रही थी। यहाँ से तीनों टॉयलेट में चेक करने जाते हैं कि पीट के साथ वहाँ क्या हुआ। वे अंदर सब कुछ चेक करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि लास्ट दरवाजा किसी रीजन की वजह से देखना रह जाता है।
यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलता, सो वे पीट का मजाक उड़ाते हुए बाहर आते हैं और अपनी टेबल पर वापस जाने लगते हैं। मगर वे उनकी टेबल पर खुद के ही एक और वर्जन को देख हैरान रह जाते हैं, और वो भी 30 मिनट पहले के वर्जन। वे तीनों ही ये सब देखकर डर जाते हैं और जल्दी से एक और रूम की ओर भागते हैं, जहाँ रे कहता है कि वे खुद के पास्ट वर्जन के सामने नहीं जा सकते क्योंकि इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। पीट यहाँ कहता है कि वे अब टॉयलेट में भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि टॉयलेट अब उन्हें किस टाइम में ले जाएगा। अब वे एक जगह छुप जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे अपने पास्ट वर्जन्स के टॉयलेट में जाने का वेट करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, जिससे कोई टाइम लूप नहीं बनेगा। अंदर रे को याद आता है कि चूंकि वो अब पास्ट में है, सो उसका पास्ट वर्जन अभी भी केसी से मिल रहा होगा और वो केसी से मिलकर इस टाइम ग्लिच के बारे में और जान सकते हैं। रे यहाँ छुप कर केसी को अपने पास्ट वर्जन को बाय बोलता देखता है और फिर खुद मिलता है और बताता है कि वो सही कह रही थी और यहाँ पर वो टाइम लीक ये टॉयलेट है जहाँ से वो 30 मिनट पास्ट में आया है। मगर केसी उसका विश्वास नहीं करती। यहाँ रे उसे रोकने की भी कोशिश करता है मगर वो चली जाती है, और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है तभी दरवाजा फिर से खुलता है, जहाँ अब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो बिल्कुल अलग लग रही थी। केसी यहाँ बताती है कि वो 6 महीने बाद से फिर से यहाँ आई है, जबकि रे के लिए वो बस 1 सेकंड के लिए गई थी। केसी यहाँ बताती है कि उसने सब कुछ जान लिया है और उसे जल्दी से वापस अपने दोस्तों के पास जाकर छुप जाना चाहिए और उनके पास्ट वर्जन्स का टॉयलेट में जाने का वेट करना चाहिए। अब वो फिर से दोनों दोस्तों के पास जाता है, जहाँ वे खुद के पास्ट वर्जन्स को टॉयलेट में जाता हुआ देखते हैं, और इस बार वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सो इस बार वे लेडीज टॉयलेट में बाथरूम के लिए जाते हैं। और जब वापस बाहर आते हैं तो ये देखकर शोक रह जाते हैं कि बाहर अब सब कुछ तबाह हो चुका है, जिसे देख पीट डरकर वापस से टॉयलेट में घुस जाता है। मगर रे और टोबी जब तक उसके पीछे जाते, उससे पहले ही उन्हें एक और फ्यूचर पीट काफी बुरी हालत में दिखाई देता है, जो कि काफी डरा हुआ था। रे और टोबी पूछते भी हैं कि क्या हुआ है, मगर पीट सिर्फ इतना ही कह रहा था कि उन्हें जल्दी से खाना और वेपन्स ढूंढने होंगे। वे तीनों ही बाहर निकलते हैं, जहाँ पाते हैं कि अब पूरा ही शहर तबाह हो चुका है, जैसे यहाँ कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ हो। यहाँ वे अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढते हैं और पाते हैं कि उन तीनों की फोटो एक दीवार पर बनी हुई है, यानी कि वे तीनों ही फ्यूचर में काफी फेमस हैं। तो वे ये सोचने लगते हैं कि वे किस वजह से इतने फेमस हुए होंगे। मगर तभी उन्हें एक बड़ा क्रीचर किसी को खाते हुए दिखाई देता है और वे तीनों डर के मारे फिर से टॉयलेट में भागते हैं। अब टॉयलेट में यहाँ फ्यूचर पीट उन्हें अपने कुछ स्कैरी एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा था कि तभी वहाँ उनके पास्ट वर्जन्स आ जाते हैं, और ये वही वर्जन्स थे जो कि पहली बार पीट के कहने पर टॉयलेट चेक करने आए थे। फ्यूचर पीट उनसे मिलना चाहता था, मगर रे और टोबी उसे लास्ट बाथरूम में छिपा देते हैं, और फिर वे खुद के पास्ट वर्जन्स को उन्हीं की तरह गलती करते हुए देखते हैं, जहां जब पास्ट रे लास्ट दरवाजा खोलता है तब वो उसे बिना चेक करे चला जाता है, जैसा कि पहले दिखाया गया था। मगर यहाँ इसी दरवाजे में ये सब छुपे हुए थे। जब उनके पास्ट वर्जन्स जा चुके थे तब वे बाहर आते हैं, जहाँ फ्यूचर पीट नाराज था क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट दोनों ने पास्ट वर्जन से नहीं करने दिया। वे बाहर आते हैं, जहाँ वे फिर से एक अननोन टाइम में आ चुके थे। यहाँ वे पाते हैं कि ये एक थीम पार्टी है और उन्होंने उन्हीं की तरह कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ वे एक फोटो देखते हैं जिसमें तीनों ही बैठकर बियर पी रहे हैं और टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, और वे समझ जाते हैं कि इसी पेपर की वजह से वे फ्यूचर में फेमस होने वाले हैं। मगर चूंकि उन्होंने उस टाइम काफी पी रखी थी तो उन्हें ये भी याद नहीं था कि ऐसा उन्होंने उस पेपर पर क्या लिखा था जिसकी वजह से वे इतने फेमस हो गए। और यहाँ पर उन्हें एक और टाइम ट्रेवलिंग एजेंट मिली मिलती है और उन्हें बताती है कि वो केसी की बॉस है और वो उन्हें उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन में ले जाने के लिए आई है, और वे उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, और वे फिर से उसके पीछे टॉयलेट में जाते हैं। और इस बार जब वे बाहर निकलते हैं तो बाहर सब कुछ नॉर्मल था, और वे तीनों फिर से अपनी टेबल पर जाकर उसी कागज के टुकड़े को देखते हैं जिसकी वजह से वे फेमस होने वाले थे। यहाँ रे को बाहर केसी दिखाई देती है, सो वो उससे मिलने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वो उसे अपने कई बार टाइम ट्रेवल करने के बारे में बताता है। मगर केसी को यकीन नहीं होता है, सो वो उसे एग्जैक्ट टाइम बताता है कि कितनी बार वो टाइम ट्रेवल कर चुका है, और उसे मिली के बारे में भी बताता है जो कि उन्हें फिर से इस टाइम में लेकर आई है। केसी यहाँ मिली का नाम सुनते ही घबरा जाती है और रे को बताती है कि मिली एक एडिटर है जिसका मेन काम किसी के फेमस होते ही उन्हें मार देना है, और इस केस में जैसे ही वे उस पेपर के टुकड़े को उस टेबल पर छोड़ेंगे वो उन्हें मार देगी क्योंकि इससे वे फेमस होने वाले हैं।
रेगे सब सुन जल्दी से अंदर भागता है और पीट और टोबी को सब बताता है और वे तीनों मिली से बचने के लिए बाहर भागने लगते हैं। मगर उन्हें याद आता है कि मिली तो टाइम ट्रेवलर है, सो उन तीनों के ही भागने का कोई फायदा नहीं है। रे को यहाँ आइडिया आता है कि अगर वे उस पेपर को जला दें तो वे कभी फेमस नहीं होंगे और ना ही मिली उन्हें मारने के लिए आएगी। पीट भी ये मान लेता है मगर टोबी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें फिर से करंट लाइफ ही जीनी पड़ेगी, जिससे कि वे तीनों ही बिल्कुल पसंद नहीं करते और वे कभी फेमस नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए टोबी पीट और रे से लड़ने लगता है और पेपर को जलाने से रोकने लगता है। और जब वे आपस में ही पेपर के लिए लड़ रहे थे तभी वहाँ मिली आ जाती है ताकि वे उस पेपर को ना जला सकें। यहाँ रे और केसी उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं मगर मिली उन्हें ओवरपावर कर लेती है। यहाँ नज़र चुरा कर पीट पेपर को जलाने की भी कोशिश करता है मगर तभी वो उसे मार देती है। यहाँ अब तक टोबी को भी एहसास हो चुका था कि उन्हें खुद की जान बचाने के लिए और फ्यूचर को बचाने के लिए फेमस होने से बचना होगा और वो भी अब पेपर को जलाने लगता है। मगर मिली इतने में ही पावर ब्लास्ट कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और पेपर फिर से अपनी ओरिजिनल जगह टेबल पर जाकर गिरता है। मगर इतने में ही रे को थोड़ा होश आता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। और ठीक इसी टाइम पास्ट पीट इस रूम में आता है जो कि सीन हमने मूवी की शुरू में देखा था, और इतनी लाशों को और खुद को मरा हुआ देखकर डर कर भाग जाता है। यहाँ रे अपनी पूरी हिम्मत लगाकर पेपर को पकड़ने की कोशिश करता है मगर इसी बीच उसका हाथ बियर के ग्लास से लगकर बियर पेपर पर गिर जाती है और पेपर का कंटेंट नष्ट हो जाता है। और अब चूंकि पेपर पर कुछ भी नहीं था सो वे कभी फेमस होंगे ही नहीं, और इसका मतलब एडिटर उन्हें कभी मरने के लिए नहीं आएगी। और जो घटनाएं कुछ लास्ट घंटों में हुई हैं वे सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चली जाती हैं और टाइमलाइन से हट जाती हैं, और तीनों ही कुछ घंटे पहले के टाइम में पहुंच जाते हैं और सब कुछ फिर से पहले जैसा था। और तीनों दोस्त वापिस ही निराशा में घर की ओर जाने लगते हैं कि अब उनकी पूरी ही लाइफ ऐसे ही निकलने वाली है। मगर तभी लास्ट में केसी वहां आती है और कहती है कि वे चाहे तो उसके साथ टाइम ट्रेवल कर टाइम लीक्स को ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ वो अब तक रे से भी प्यार करने लगी थी। और लास्ट में केसी फ्यूचर में एक पोर्टल ओपन करती है जिसमें तीनों दोस्त खुशी से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही औसम टाइम ट्रेवल वीडियोस के लिए इन प्लेलिस्ट पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी साईफाई नर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बने। बाय।